सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत शहर के बूढ़े बाजाली क्षेत्र में मानव तस्करी करने का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। मिली जानकारी के अनुसार मानव तस्करी से जुड़े इस मामले में युवती की बुआ भी संदिग्ध नजर आ रही है। स्थानीय रहवासियों ने बताया कि जिस मकान में आरोपित व्यक्ति शंकरलाल कुशवाहा उर्फ भोला ठाकुर किराए से रहता है, उसके द्वारा पूर्व में भी इसी तरह का कृत्य किया गया। उस समय भी वो सलाखों के पीछे गया था, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं होने से उसने इसे धंधे को जारी रखा। युवती शहर के बूढ़े बालाजी क्षेत्र में पानी की टंकी के पास संदिग्ध परिस्थितियों में रोती हुई देखी गई। इस दौरान उसने अपनी आपबीती आस पड़ोस के लोगों को बताई तो उन्होंने भरोसा दिलाकर उससे पूछताछ की, जिसमें कई चौंकाने वाले खुलासे हुए। जब इस बात की सूचना मीडिया कर्मियों को लगी तो वो घटनास्थल पर पहुंचे और युवती की कहानी सुनी तो वो सन्न रह गए। युवती ने अपना निवास जिला कटिहार भाती बिहार होना बताया है। वो बिहार से अपनी बुआ के यहाँ कानपुर काम करने के लिए जा रही थी, तभी सफर के दौरान ट्रेन में आरोपित युवती को मिला और उसने बेटी बनाकर शादी करने का झांसा देकर गुना ले आया। यहाँ युवती को 2 दिन तक कमरे में बंद रखा, युवती के साथ मारपीट की गई। युवती बाथरूम में गिरकर बेहोश हो गई थी, जिसके बाद उसके साथ मारपीट की। जैसे तैसे युवती आरोपित की चंगुल से छूटकर भाग निकली तो आसपास के लोगों ने रोता हुआ देखा, जिसके बाद लोगों ने पुलिस को सूचना दी। महिला पुलिस फिलहाल युवती को अपने साथ ले गई। पुलिस की बात सुनकर युवती ने मीडिया को बताया कि आरोपित व्यक्ति शंकरलाल भागकर अपने दामाद ओम प्रकाश के घर चला गया। कानपुर आई थी बुआ के लिए, हम टिकट कटवा रही थी कानपुर में, हम बुआ के पास जा रही थी गोरखपुर में। वो भी एक बुढ़ी के शादी करके आ रही थी, बुढ़ा नाये शादी थी बुढ़ी के उम्र से जाए तो हम कानपुर से बुआ यहाँ जा रही थी। मेरा मम्मी फोन पर फोन कर रही थी तो बोले बेटा कहाँ पर हो, हम बोले ट्रेन पर चढ़ गए बिहार में, तुम कहाँ पर हो तो बोले नरकटिया का जाए, नरकटिया का जानती है, नरकटिया का बेटी है मोतिहारी, मोतिहारी सुगौली मैंने तब पटना, तब बोले ना तुम आज पटने तो हम बोले तुम आज मम्मी हम तुम हम आ जाएंगे पहले दिक्कत है, तो बोले ठीक है हम आ जाएंगे तुम ट्रेन से आ जाओ, तो बोले ठीक है सीट पर बैठ गए। तो हमको गोल हाथ बांध कर तो बताती थे यहाँ पर चिल्लाया यहाँ पर चिल्लाया यहाँ पर जाते हैं कुल्ला पकड़ो। तो आपको ये लोग यहाँ जो लाए थे गुना, तो आपको ट्रेन में कोई मिला था क्या? ट्रेन में मिले थे ट्रेन में। फिर क्या हुआ? तो कहा तुमको शादी कर देगा, हम बोले शादी नहीं करेगी, हमको मन नहीं है, मेरा मम्मी पापा भाई में मम्मी पापा करेगी जी तुम करेगी, मेरा सब कोई है चाचा चाची सब है, तो तुम्हारा लेना देना कौन है? तो बोले ना मेरी बेटी है। एक पुलिस वाला बोला मेरी बेटी है, तब बोले पुलिस वाला अंकल मैं मुसलमान हूँ हिंदू हूँ, तो बोले ना तुम मेरी बेटी नहीं। तो पुलिस वाला उसको कानपुर में डांटा बोला तब उन्हें चोला, तब जबरदस्ती चले गए जल्दी भाग। क्या नाम बताया था आपने? रानी। रानी पूरा नाम क्या? मेरा रानी खातून। रानी खातून, आप किस जगह की रहने वाली हैं? पहले मेरी मम्मी गोरखपुर में रहती हैं किराया पर मिर्जापुर में, अब वहाँ से चल गए नलकटिया का साथी साथी बेलवा। अच्छा, कोई मोबाइल नंबर वगैरह है आपके पास आपका घर का? नंबर ले आई थी ना तो पार दी, बोले कोई बताएगी तो न तो बताना मुसलमान न तो बताना कौन जात बता दे, तो हम कुछ सिखा रही थी तो बोले नाम जनजात रहेगा तो उन्होंने बताएगी। जी मेरे को मिली थी अभी पीछे वाले चौराहे पे, वो रो रही थी, बोल रही थी मेरे को गोरखपुर से लेके आए हैं और मैं भाग के आई हूँ। तो मैंने फिर अपने सिटी कोतवाली में कॉल किया, वहाँ से कॉन्स्टेबल को बुलाया, फिर मीडिया को भी बुलाया, क्योंकि यही जो वातावरण अभी हुआ है वो 1 से 1.5 साल पहले भी हुआ था और उस पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं था। आज फिर ये हुआ है और वो बच्ची को आपने देख लिया है, उसका आपने वीडियो भी लिया हुआ है कि कहाँ किस कंडीशन में ये क्या अशोक राठौर करके पीछे हैं, उनका मकान है और ये रेंट पे रहते हैं, यहाँ पे जो बाबूजी हैं वो ये काम करते हैं। बाबूजी क्या नाम है? नाम मैं मेरे को नाम पता नहीं। अच्छा, वो यहाँ कब से रह रहे हैं? हो गए कम से कम 4 से 5 साल हो गए। 4 से 5 साल। तो इस तरह की घटना क्या पहले भी हुई यहाँ पे? एक बार और हुई है। कितने समय पहले? ये 1.5 से 2 साल। तो उस टाइम क्या हुआ था? उस टाइम भी वो बच्ची भाग के गई थी और एक वो घनश्याम राठौर है उनके घर में जाके बच्ची बची थी, उसको भी पुलिस लेके गई। तो वो बच्ची कहाँ की थी पिछली बार? वो तो शायद कलकत्ता या कहीं की थी। कलकत्ता या क्रॉस, मेरे को पता तो नहीं है जस्ट, मतलब पर वो बाहर की थी, आउट ऑफ एमपी की थी। और अभी जो बच्ची है ये गोरखपुर की, ये गोरखपुर के पास में मिर्जापुर पड़ता है, मिर्जापुर के पास में कोई तहसील पड़ती है वहाँ की। अच्छा, ये माजरा क्या है इस तरीके की घटना यहाँ पर? ये गलत काम करते हैं, ये ह्यूमन ट्रैफिक है, मतलब मानव तस्करी आप कह सकते हैं, ये ह्यूमन ट्रैफिक है।
क्या नाम है आपका? प्रकाश सिसोदे। कहाँ रहते हैं? सुदामा कॉलोनी जस्ट पीछे। ये तो मेरे को जानकारी नहीं है क्या करता है वहाँ। उसका नाम जो है शंकर लाल जी कुशवाहा। कहाँ के हैं वो? इंदमोरा से साइड के रहने वाले। तो आपके मकान में कब से रह रहे हैं? करीब चार साल। करीब चार साल हो गए। तो कभी आपने ये जानने की कोशिश नहीं की आखिर वो काम क्या करते हैं? ये तो मेरे को ये बता रहा, मेरे गाड़ी वगैरह चलती है। तो चार साल से आपने मकान को रेंट पे दिया। और उसकी फैमिली में कोई वहाँ पे रहता हो? फैमिली में उसके परिवार के दो लड़के हैं, सब कहीं कहीं जमीन वगैरह है। पटिया पटिया से मिलता है जमीन। उनका कोई फोटो वोटो कुछ है? फोटो अभी नाम जरूर। आधार कार्ड होगा? आपने मकान एग्रीमेंट तो कराया होगा? पहले यहाँ पंडित जी के मकान में रहते थे। पंडित जी के मकान में उन्होंने की थी कि अच्छे इंसान है। ये तो एक डेढ़ साल पहले भी ऐसी कोई घटना हुई थी उसी मकान में। इसी मकान में उसी मकान में एक बार पहले भी घटना हुई है, मोहल्ले वालों ने हमें बताया। तो उसकी जानकारी आपको नहीं थी? नहीं थी, हमें बाद में मालूम पड़ी थी उसकी। मतलब आपने जानना नहीं चाहे कि आखिर ऐसा चल रहा है तो हम किराएदार ऐसे क्यों रखें? उससे मैंने खाली करने के भी बोला था उससे। वो जो कह रहा था साल छः महीने में आपका हिसाब करके तो खाली कर दूँ। तो आपने कहीं पैसों के एवज में उससे खाली नहीं करवाया मकान? ऐसा तो कुछ नहीं है। तो आपने पहले जब घटना हुई पुलिस को कोई जानकारी दी होगी? पुलिस द्वारा ही पकड़ा हुआ था वो। फिर क्या कुछ कार्रवाई हुई थी? क्या मामला था? कार्रवाई हुई थी ना उनका? क्या मामला था बताइए? जे जानकारी नहीं मेरे को। पुलिस द्वारा पुलिस में बंद भी हुआ था वो। जमानत कितने समय में? करीब आठ दस दिन, करीब पंद्रह दिन करीब।